जो पहनना है वो नहीं है हमारे, लेकिन कम से कम कपड़े की उनकी होती है कि दी जाए और फिर नीचे तक की नहीं नहीं हमारे पास और बाहर पास है, हमारे पास जो है ये वर्दी है सर्टिफिकेट नंबर और वो हम उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कोविड पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव जो है उससे अगर पकड़ना है या लाना है या कुछ करना है तो हम उसको यूज़ करेंगे। अभी हमारे को डायरेक्ट आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम हर बंदे को अगर उनके पास अगर जा भी रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग के लोग जा रहे हैं, जिन पे डाउट है सिम्टम्स है उनके पास जा रहे हैं। हमारे पास जैसे मान लो नाके पे चेकिंग करनी है, कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, वैसे मौके पे ऐसा कोई, और हमारे पास है ये 24 तो हमारे पास पहले ही पड़ी है और आ रही है हमारे पास साल। मेरे को ज़्यादा चिंता अपने पुलिस वाले देखा कई बार, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, और लोगों को क्योंकि लोग नहीं मान रखा है, ताकि मान लो किसी कोविड पॉजिटिव जा रहे हैं डॉक्टर जो है वो अपने अपने जा रहे हैं मौके पर, और किसी के शक है तो डॉक्टर खुद कहेंगे जा रहे हैं वो जी अंदर जाके उससे बात करें, पर ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को इसको हमेशा पहन कर ग्लव और ये मास्क तो हैं हर जगह प्रोवाइड करवा दिए हमें, सैनिटाइजर की, सैनिटाइजर से ज़्यादा अच्छा साबुन क्या होना क्योंकि इसकी वायलेशन करना ये सब चीज़ें आप ही समझाएंगे। लड़के मूल लड़के जितने भी उम्र के वो सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा है नहीं। आज हमीरपुर के सुजानपुर थाना क्षेत्र में मैं आया हूँ, यहाँ पे आज हमने दो मुकदमे भी दिए हैं 144 CRPC के उल्लंघन के अंतर्गत। ये कुछ स्कूटीज़ चलाने का, गाड़ियाँ चलाने का जिनके पास वैध पास नहीं है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी दुकानें खोलने का जिनकी टाइम से ज़्यादा खोलने का, या फिर ऐसी दुकानें खोलने का जिनके लिए परमिशन नहीं है, इनके अंतर्गत ये मामले दर्ज किए गए हैं। पूरे हमीरपुर भर में पिछले दो दिनों में हमने 6 मुकदमे इसमें दर्ज किए हैं इस तरह के, जिसमें दुकानें खोलना, गाड़ियां बिना परमिशन के चलाना, शराब के ठेके खोलना, एक्स्ट्रा दाम लगाना सब्जियों के, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने अलग अलग धाराओं के अंतर्गत जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट IPC की धाराएं और CRPC 188 के अंतर्गत जो है हमने मुकदमे दर्ज किए हैं। मुझे आपसे आपके माध्यम से सभी से यही अपील करनी है कि जो भी व्यक्ति एसेंशियल काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज का पास जिनके पास है, और कर्फ्यू के लिए जो ई पास जिसको इमरजेंसी के लिए लिया जा रहा है वो अवेलेबल है, वही व्यक्ति जो है बाहर निकल सकते हैं, और ये प्रति व्यक्ति एक पास मान्य है। एक गाड़ी में अगर एक व्यक्ति के पास ये पास मौजूद है तो उनकी गाड़ी में जो तीन व्यक्ति अगर बैठे हैं उन तीनों के पास भी ये होना अनिवार्य है, तो ये टैक्सी सर्विस का सिस्टम ना बन जाए ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस चीज़ की अवहेलना ना करें, हमको मजबूरन मुकदमे और दर्ज करने पड़ेंगे और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। दूसरी बात, आज यहाँ आने का उद्देश्य एक ये भी था कि हमारी जो थाना लेवल पर गठित पीस कमिटीज़ हैं, जो एक माइनॉरिटी समुदाय के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, खासकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे चर्चा करना था कि पहली बात, अगर कोई इनके यहाँ पे इनके एरिया में जो जमात के लोग हैं जो दिल्ली निज़ामुद्दीन में पाए गए थे उनकी कोई प्रेजेंस है तो एकदम बाहर आके, जैसे DGP साहब ने भी कहा, बाहर आके खुद स्वयं अपनी इच्छा स्वेच्छा से जो है हमको उसकी खबर दें। दूसरी बात ये भी है कि कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि कुछ संशय जो है, कुछ डाउट जो है, कुछ संवेदना जो है लोगों की थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, बीच में आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी डिस्करेज करने के उद्देश्य से हम यहाँ पे इन लोगों से मिले कि ये लोग जो है कोई गांव में रहने वाले लोग आपस में हर चीज़ पे शक ना करें, किसी फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें, डिस्कस ना करें, क्योंकि फेक न्यूज़ और र्यूमर फैलाना जो है एक कानूनी अपराध भी है। तो इन्हीं बातों में चर्चा करने के लिए आज हमने लोगों को यहाँ बुलाया था, अलग अलग समुदाय के लोग थे, लोकल SHO यहाँ प्रेजेंट थे, तो हमने इस पर चर्चा की, उन लोगों की बातें भी हमने सुनी, उन लोगों से बातें भी की। आपसे ही मेरी यही अपेक्षा रहेगी, आपके माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा
कि कृपया अफवाहों पे जाने के बजाय अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई तबीयत खराब है या कोई बाहर से आया है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूर दें, हम उनको चेक करेंगे। और जिस व्यक्ति को मान लो कोरोना है भी तो उनको क्रिमिनल ना समझें, वो एक तरह से अपने स्वेच्छा से बाहर आए तो ये खुद के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए जो है बहुत हेल्पफुल एक चीज़ रहेगी।